मुख्यमंत्री पुरुषा सिंह धामी ने देहरादून स्थित सिलाकोई में सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया है। इस दौरान केंद्र के डायरेक्टर नपेंद्र चौहान ने सघन केंद्र की उपलब्धियां बताई। सीएम धामी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये केंद्र सघन के उत्पादन में एक मिसाल बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि जिन पौधों को इस केंद्र में तैयार किया जाएगा वो देश विदेश तक उत्तराखंड की छाप छोड़ने में अहम रोल अदा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एरोमेटिक प्लांट्स के मामले में प्रदेश में बड़ी तरक्की हो रही है। किसान पारंपरिक खेती के साथ अब एरोमेटिक प्लांट्स पर भी काम कर रहे हैं। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा एरोमेटिक प्लांट से पहाड़ और मैदान के किसान बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। सघन केंद्र के आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहां की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा और ये जहां एक प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहां से उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा।